हेलो दोस्तों, आज हम लोग इतिहास इतिहास इकाई 4 टेंथ क्लास का भारत में राष्ट्रवाद लेशन का क्वेश्चन आंसर दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा है एमसीक्यू, यानी ऑब्जेक्टिव है, जिसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पहला लेशन हमारा पहला लेशन का पहले पहला चौथा लेशन का पहला क्वेश्चन हमारा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। ऑप्शन दिया है गुरुदयाल सिंह 1916, या चंद्रशेखर आज़ाद 1920, या मोहन सिंह भाखना 1918, या लाला हरदयाल 1913। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह हमारा हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 में किया था, यानी लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी। 13 अप्रैल 1919, या 14 अप्रैल 1919, या 16 अप्रैल 1919, या 15 अप्रैल 1919। तो दो नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 1916 में, 1918 में, 1920 में, या 1922 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा हो जाएगा 1916 में, ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, या नवंबर 1920 फैजाबाद में, या दिसंबर 1920 नागपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर में। पाँच नंबर क्वेश्चन में, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन ने शुरू किया था। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा तुर्की शासक, तो यानी 1920 में तुर्की, 1920 अरब, या 1920 फ्रांस, या 1920 जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा हो जाएगा 1920 तुर्की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी। 1920 भुज यात्रा, 1930 अहमदाबाद, या फिर 1930 डांडी, या फिर 1930 अल्बा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1930 डांडी, 78 अनुयायियों के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। 1929 लाहौर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन, या 1933 कलकत्ता अधिवेशन, या 1937 बेलगांव अधिवेशन। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का की स्थापना किसने और कब की थी। 1923 गुरु गोलवरकर, या 1925 के बी हेडगवार, या फिर 1926 चितरंजन दास, या 1928 लालचंद। इस क्वेश्चन का आंसर, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1925 के बी हेडगवार। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो यहाँ है बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, या फिर खेड़ा आंदोलन, या चंपारण आंदोलन। 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बारदोली किसान आंदोलन के समय उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1919 में, या 1917 में, फिर 1918 में, या 1919 में। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1916 में। और इसी के साथ अगला हमारा सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगहों को भरें। बाल गंगाधर तिलक और डैश डैश ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी बाल गंगाधर और एनी बेसेंट थी, यानी एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के संचालन में होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। डैश डैश ने भारत में खिलाफत आंदोलन किया था, तो गांधी जी थे, वह हमारे बापू गांधी जी ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
डैश डैश फरवरी को डैश 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 फरवरी डैश डैश को डैश डैश आंदोलन स्थगित हो गया। यानी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन स्थगित हो गई। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे, यानी सर जॉन साइमन साइमन यानी सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। अगला है, डैश डैश में डैश डैश कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, उड़ीसा में खोंड कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश 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 अप्रैल को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश डैश में हुआ था। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 11 अप्रैल 1936 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1900 लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, उड़ीसा में डैश डैश में डैश डैश विद्रोह हुआ था, यानी उड़ीसा में यही हो गया, उड़ीसा में यानी 1914 में कौन विद्रोह हुआ था? तो खोंड विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। इसी प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अति लघु उत्तरीय है। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हम लोग का पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा खिलाफत आंदोलन यानी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय हुई, यानी ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लाम संसार का खलीफा हुआ करता था, यानी तुर्की का जो सबसे ज़्यादा थी होता शासक जो होता था उसको खलीफा कहा जाता था। अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाला दुर्व्यवहार का खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। यानी जो खलीफा का पद था वो क्या कर रहा था, ब्रिटेन उसे हटा रहा था, जिसके वजह से भारत के मुसलमानों ने तुर्की के साथ इस दुर्व्यवहार का समर्थन किया, जिसके वजह से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? यानी बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने या दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति कर की। समिति के अनुसार अनुसार पर 25 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता था। यानी वह जो कानून पारित हुआ था उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता था। किसी भी व्यक्ति को बिना गवाह दलील का गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता था, उसी को रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था?
यानी गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी यात्रा से की थी, और डांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था, यानी समुद्र के पानी से नमक बनाकर के कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, उसका यही कारण था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया। सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी, यानी जो भी सरकार था गांधी के साथ क्या किया, अपना समझौता उसके उनके समझौता को माना, जिससे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी कुछ घटनाएं थी, उस घटनाओं को दमन करने के लिए अगर नहीं मानते तो वह कर देते, इसीलिए वह समझौता कर लिए लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें, यानी बिहार तथा बंगाल के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विशेषकर बिहार में नीलहगारों द्वारा तीनकठिया व्यवस्था प्रचलित की गई थी, यानी तीनकठिया व्यवस्था का मतलब हो गया 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर आपको जबरन खेती करना होता था, जिसमें किसान को अपनी भूमि का 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। किसान इसकी खेती नहीं करना चाहता था, क्योंकि नील के खेती से खेत काफ़ी कमज़ोर हो जाते थे। तब जा कर के गांधी चंपारण पहुँच कर इस कुरीति को समाप्त कराया, और इसके पश्चात उनको क्या महात्मा की उपाधि भी मिली, यानी उनको महात्मा, ये उनका जो कार्य जो था महात्मा बना दिया, यानी उनको इसी कार्य के फलस्वरूप महात्मा की उपाधि भी मिल गई। अगला क्वेश्चन है हमारा मेरठ षड्यंत्र, यानी मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? यानी मेरठ षड्यंत्र वास्तव में मजदूर आंदोलन से संबंधित था। मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए 31 मजदूर नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 2 अंग्रेज नेता भी थे, और उन्हें मेरठ लाया गया, और वहीं पर 4 वर्षों तक मुकदमे की सुनवाई होती रही। इसी तरह मेरठ षड्यंत्र, इसी को मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। 31 में से कुछ को छोड़ दिया गया और कुछ को सजा हो गई, जिससे मजदूरों में एकता बढ़ गई। मैंने जितने 31 गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से कुछ को छोड़ दिया गया और कुछ को सजा दे दी गई, जिससे जो भी मजदूर थे सभी इकट्ठे हो गए और उनमें एकता की भावना उत्पन्न हुई, जिससे वे एक विरोध का रूप धारण कर लिया। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है यात्रा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी यात्रा भगत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो छोटा नागपुर के उरांव आदिवासी ने 1914 से 1920 तक अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसका नेता जतरा भगत था। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, एकेश्वरवाद, मांस मदिरा त्याग, नृत्य से दूरी बनाए रखने की बात कही है। तो ये जो जतरा भगत जो थे आदिवासी उरांव जाति से संबंधित थे, उन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया जिसमें केशवरवाद और मदिरा का सेवन को न इस्तेमाल करने का बात कही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? तो इसमें है 1917 के आसपास में गुजरात में कपड़ा मिल के मजदूर ने हड़ताल कर दिया,
मिल मालिकों ने घाटा का बहाना बनाकर बोनस देने से इनकार कर दिया और तब जा कर के गांधी जी ने हड़तालियों का समर्थन किया और मालिकों को झुकना पड़ा। यानी जब उन्होंने बोनस का, हर एक साल बोनस मिलता था और उस समय क्या करता है, लोग घाटा का बहाना बना बोनस नहीं देता लो, जिससे उन्होंने हड़ताल किया, जिससे गांधी जी को पता चला तो गांधी जी उनका समर्थन किए और अंततः मालिकों को झुकना पड़ा। बाद में मिल मजदूर के साथ खेतीहर और मजदूर का कांग्रेसी कार्यक्रम भी भाग लेने तथा उनके समर्थन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो गई। यानी इसी वजह के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कर दी गई। अगला है हमारा मिलान करें। तो मिलान करें में हमारा पहला क्वेश्चन है गांधी चरण यानी गांधी चरण किसको गांधी चरण कहते हैं, तो गांधी चरण कब से कब तक का है, गांधी जी कब आए, तो 1919 से लेकर के 1947 के काल को गांधी चरण कहा जाता है। चौराचौरी हत्याकांड यानी चौराचौरी हत्याकांड कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को। इसका मिलान क से कर देंगे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, केरल के थे घ। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन वापस यानी कब बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया, तो 1911। अगला क्वेश्चन है हिंदू महासभा यानी हिंदू महासभा का थी हो गया इसका ये हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मोपला विद्रोह कब हुआ था, मोपला विद्रोह इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1922। दोस्तों इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया है तो इसीलिए हो जाएगा गांधी का चरण। देखिए ब्लैक पेन से हम आप लोग को मिला दे रहे हैं, इसका हो जाएगा 1945। और अगला क्वेश्चन है हमारा चौराचौरी हत्याकांड, तो चौराचौरी हत्याकांड हमारा ये सही है मिलान। अगला है हमारा कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष ये हमारा देख लेते हैं, बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया था, बंगाल विभाजन हमारा हो जाएगा 1911 ईस्वी में। और मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह केरल में हो जाएगा। और इसका यह हो जाएगा हिंदू महासभा का गठन किसने किया था, हिंदू महासभा का गठन इसमें कुछ त्रुटि है, इसमें हिंदू महासभा का गठन हुआ था 1917 ईस्वी में, तो ये हो जाएगा 1917 ये वाला ऑप्शन। और इसमें कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कुछ इस बुक में दिया गया है त्रुटि है, आप लोग बुक से देख करके मिला लीजिएगा। इसीलिए इसी वीडियो के साथ हम आज का क्वेश्चन समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।